हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनु शर्मा। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम आबंध प्राचल यानी बॉन्ड पैरामीटर की डिस्कस करेंगे। बॉन्ड के बारे में कौन कौन से प्राचल होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, तो सबसे पहले हम आबंध लंबाई बॉन्ड लेंथ की चर्चा करेंगे। आबंध लंबाई क्या होती है? दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है। पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी होती है उसको हम आबंध लंबाई कहते हैं। यानी कि जैसे परमाणु एक एक्स है, परमाणु दूसरा वाई है, इन दोनों के बीच की जो नाभिक दूरी होती है डी एक्स वाई, इसको हम बोलते हैं आबंध लंबाई। जैसे इस नाभिक के और यहाँ के बीच की जो दूरी होती है आर एक्स, इसको हम एक्स की त्रिज्या बोलते हैं और ये वाई की आर वाई की त्रिज्या होती है। तो डी एक्स वाई बराबर जो होगी आर एक्स प्लस आर वाई के बराबर हो जाएगी। यानी इन दोनों x और y की त्रिज्या का जो योग होता है वो बंध लंबाई के बराबर होता है। और बंध लंबाई जो होती है परमाणु की बहुत छोटी इकाई होती है, इसको हम एंगस्ट्रोम में मापते हैं। यानी कि 1 एंगस्ट्रोम इक्वल टू 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठोस क्रिस्टलों के लिए एक्स किरण विवर्तन, गैसीय पदार्थों के लिए इलेक्ट्रॉन विवर्तन तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा परमाणु के अंदर आबंध लंबाई ज्ञात की जाती है। आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है तो परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है। परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल बढ़ने के कारण नाभिक एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से आबंध लंबाई कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं HF, HCl, HBr और HI के अंदर फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से दोनों परमाणु के नाभिक, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दोनों के नाभिक एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाएंगे और यहाँ पर बंध लंबाई सबसे कम हो जाएगी। जबकि आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होने के कारण हाइड्रोजन और आयोडीन के नाभिक एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं आ पाएंगे, एक दूसरे से थोड़ा दूर रहेंगे, तो यहाँ पर बंध लंबाई सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती है बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता घटती चली जाती है, बंध लंबाई बढ़ती चली जाती है, तो HI की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होने के कारण इसकी जो बंध लंबाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और HF के अंदर विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होने के कारण इसके अंदर जो बंध लंबाई होती है वो सबसे कम होती है। दूसरा पॉइंट होता है आबंध क्रम। आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर, दो परमाणुओं के बीच में जो बंधों की संख्या होती है उसको हम आबंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर आबंध लंबाई जो होती है वो आबंध क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे कि हम देखें कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के अंदर एक बंध है तो इसका आबंध क्रम एक हो जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में दो बंध हैं तो इसका आबंध क्रम दो हो जाएगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के बीच में तीन बंध हैं तो इसका आबंध क्रम तीन हो जाएगा। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो आबंध लंबाई होती है वो 1.54 एंगस्ट्रोम होती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बंध लंबाई होती है वो 1.34 एंगस्ट्रोम होती है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो बंध लंबाई होती है वो 1.20 एंगस्ट्रोम होती है। यानी कि जैसे जैसे बंधों की संख्या आबंध क्रम बढ़ता चला जा रहा है तो आबंध लंबाई जो है वो घटती चली जा रही है। सी सिंगल बॉन्ड सी की आबंध लंबाई सबसे ज़्यादा होती है और सी ट्रिपल बॉन्ड सी की आबंध लंबाई सबसे कम होती है, क्योंकि आबंध लंबाई जो होती है वो आबंध क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला पॉइंट है संकरण। संकरण के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एस करेक्टर, एस कक्षक का गुण जो होता है वो आबंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी एस कक्षक की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी किसी परमाणु या अणु के अंदर आबंध लंबाई उतनी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 संकरण होता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अंदर sp2 संकरण होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अंदर sp संकरण होता है।
तो यहाँ पर इसके अंदर S करेक्टर 50% होता है, इसके अंदर 33.3% होता है और इसके अंदर 25% होता है। तो S करेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर इसके अंदर S गुण जो है, S कक्षक का गुण सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी लंबाई जो है सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि S कक्षक जो होता है वो आबद्ध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है और S करेक्टर का जो गुण है वो सबसे कम यहाँ पर है, इसलिए इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि S कक्षक का गुण आबद्ध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला पॉइंट अनुनाद। अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ घूमता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम वाइनिल क्लोराइड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सी एल, तो यहाँ पर जो लोन पेयर है इधर से इधर शिफ्ट करेगा और लोन पेयर के एकाकी उनके यहाँ आने के कारण ये डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज और इस क्लोरिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो डबल हेडेड एरो होता है, ये अनुनाद का चिन्ह होता है, अनुनाद का सिंबल होता है। तो इस कारण जो अनुनाद के कारण जो बंद लंबाई होती है वो कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। इन दोनों अणुओं के अंदर हर समय डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा, जिसकी वजह से बंद लंबाई कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पर इसके अंदर CH3CH2Cl के अंदर कोई अनुनाद नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी बंद लंबाई ज़्यादा होती है। और अगला पॉइंट है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार जितना बड़ा होता है और बंद लंबाई उतनी ही ज़्यादा होती है, यानी कि परमाणु का आकार समानुपाती होता है बंद लंबाई के। तो यहाँ पर आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है, फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है, इसलिए HI का जो आबंध लंबाई है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी और HF की जो आबंध लंबाई है वो सबसे कम हो जाएगी। आबंध एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। किसी गैसीय अवस्था में अणु के अंदर बंध को तोड़कर परमाणु अवस्था में गैसीय अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आबंध एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर H2 का अणु है, H सिंगल बॉन्ड H गैसीय अवस्था में है, तो इस बंध को तोड़ने के पश्चात हाइड्रोजन परमाणु गैसीय अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आबंध एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की आबंध एंथैल्पी -432 किलो जूल पर मोल है। तो किसी यौगिक के अंदर बंध की आबंध एंथैल्पी ज्ञात करने के लिए उसकी क्रमशः स्टेप बाय स्टेप बंध को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उनका योग करके मध्यमान निकालने पर आबंध एंथैल्पी प्राप्त होती है। जैसे CH4 अणु को तोड़ के पहले पद में मैं CH3 हाइड्रोजन के अंदर लेके आता हूँ, तो यहाँ पर ΔH1 होता है 435 किलो जूल। उसके पश्चात CH3 को तोड़ते हैं CH2 और H के अंदर, यहाँ पर ΔH2 का मान 370 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। यहाँ पर CH2 को तोड़ते हैं CH और H के अंदर, यहाँ पर ΔH3 का मान 385 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। और यहाँ पर CH को तोड़ते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर, यहाँ पर ΔH4 का मान 339 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। अब इस अणु के लिए मैं CH आबंध ऊर्जा का मान निकालूँ तो यहाँ पर क्या करना होगा, ΔH1 प्लस ΔH2 प्लस ΔH3 प्लस ΔH4 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 382.25 किलो जूल पर मोल। यानी कि CH4 से CH बंध प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो 382.25 किलो जूल पर मोल होगी। तो आबंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट नंबर होता है आबंध की ध्रुवीयता। आबंध ऊर्जा समानुपाती आबंध की ध्रुवीयता, समानुपाती आबंधित परमाणुओं में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, यानी कि आबंधित परमाणु के अंदर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज़्यादा होगा उसकी आबंध ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर HF के अंदर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज़्यादा है और HI के अंदर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम है। यहाँ पर जो आबंध ऊर्जा का मान होगा 565 किलो जूल पर मोल होगा और यहाँ पर HI के अंदर 297 किलो जूल पर मोल होगा। यानी कि जैसे जैसे अणुओं में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर घटता चला जा रहा है उसी हिसाब से आबंध ऊर्जा का मान भी घटता चला जा रहा है।
तो एच एफ के लिए आबंध ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होगा और एच आई के लिए आबंध ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। परमाण्विक आकार व्युत्क्रमानुपाती होता है आबंध ऊर्जा का, यानी कि परमाणु का आकार जितना ज़्यादा होगा उसकी आबंध ऊर्जा उतनी कम होगी। जैसे फ्लोरीन के केस में देखते हैं, क्लोरीन के केस में देखते हैं, इसका परमाणु आकार छोटा होता है और आयोडीन का परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है, तो आयोडीन के लिए आबंध ऊर्जा का मान सबसे कम हो जाएगा और क्लोरीन के लिए आबंध ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अनुनाद के कारण आबंध ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि अनुनाद के कारण परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होता है और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की तुलना में, क्योंकि डबल बॉन्ड को में दो बॉन्ड को तोड़ना होता है और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक बॉन्ड को तोड़ना होता है। संकरण में एस कैरेक्टर बढ़ने पर आबंध ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। यहाँ पर एस कैरेक्टर 50% है, यहाँ पर 33% है और यहाँ पर 25% है। जैसे जैसे एस कैरेक्टर का मान बढ़ता चला जा रहा है तो आबंध ऊर्जा का मान भी बढ़ जा रहा है। आबंध ऊर्जा आबंध क्रम के समानुपाती होती है, यानी बंधों की संख्या बढ़ने पर आबंध ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर तीन बॉन्ड को बंध को तोड़ना होता है, डबल बॉन्ड के अंदर दो बॉन्ड को तोड़ना होता है और सिंगल बॉन्ड के अंदर सिर्फ एक ही बॉन्ड को तोड़ना होता है। तीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड की तुलना में, और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति व्युत्क्रमानुपाती होती है आबंध ऊर्जा के, यानी कि जैसे जैसे लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बढ़ते चले जाएंगे आबंध ऊर्जा का मान घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, कोई एकाकी युग्म नहीं है। नाइट्रोजन अणु के ऊपर दोनों परमाणु के ऊपर एक एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन अणु में दोनों परमाणु के ऊपर दो दो लोन पेयर है और फ्लोरीन अणु में दोनों परमाणु के ऊपर तीन तीन लोन पेयर है। तो यहाँ पर कार्बन की आबंध ऊर्जा सबसे ज़्यादा है 348 किलो जूल पर मोल, क्योंकि इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। और जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ती चली जा रही है 1, 2, 3 उसी हिसाब से आबंध ऊर्जा का मान कम होता चला जा रहा है। यहाँ पर दोनों परमाणु के ऊपर एक एक लोन पेयर है तो आबंध ऊर्जा का मान है 163 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर दोनों परमाणुओं के ऊपर दो दो लोन पेयर हैं, आबंध ऊर्जा का मान है 146 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पर दोनों परमाणुओं के ऊपर तीन तीन लोन पेयर हैं, आबंध ऊर्जा का मान है 149 किलो जूल पर मोल। यानी कि लोन पेयर बढ़ने से परमाणुओं के ऊपर प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाता है और प्रतिकर्षण बल आ जाने से परमाणु अस्थायी होता है और कम ऊर्जा देने पर ही टूट जाता है। आबंध कोण बॉन्ड एंगल, किसी अणु के आबंधित कक्षकों को पृथक करने वाली रेखाओं के मध्य कोण को आबंध कोण कहते हैं। जिस प्रकार से H2O का अणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं को पृथक करने वाली रेखा यानी जो बंध है, एक बंध ये है और एक बंध ये है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इन दोनों बंध के बीच में जो कोण होता है उसको हम आबंध कोण कहते हैं, और इसे स्पेक्ट्रमी विधियों से ज्ञात किया जाता है और इसे डिग्री और मिनट में प्रदर्शित करते हैं। तो आबंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहला कारक होता है संकरण। जैसे जैसे परमाणुओं के अंदर एस कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, एस गुण बढ़ता चला जाता है, आबंध कोण का मान भी बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर हम मीथेन के अणु के अंदर देखते हैं, CH4 के अंदर संकरण होता है sp3, C2H4 के अंदर संकरण होता है sp2 और C2H2 के अंदर संकरण होता है sp, यानी कि इधर से इधर जाने पर एस करेक्टर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर एस करेक्टर 25% है, यहाँ पर एस करेक्टर 33% है और यहाँ पर एस करेक्टर 50% है। तो यहाँ पर बंद कोण का मान 109° 28' है, यहाँ पर बंद कोण का मान 120° है और यहाँ पर बंद कोण का मान 180° है। यानी कि जिस तरीके से इधर से इधर जाने पर एस करेक्टर बढ़ता चला जा रहा है उसी तरीके से आबंध कोण का मान भी बढ़ता चला जा रहा है। एकाकी युग्म की उपस्थिति, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण आबंध कोण का मान घट जाता है,
यानी एकाकी की इलेक्ट्रॉन युग्म की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है आबंध कोण के। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर आने के कारण जो आबंध कोण का मान है 109 डिग्री 28 मिनट से घट के 107 डिग्री पर आ गया, और H2O के अंदर दो लोन पेयर आने के कारण आबंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 105 डिग्री तक आ गया है। यानी कि लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर आबंध कोण का मान घटता चला जाता है। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता समानुपाती होती है आबंध कोण के। जिस तरीके से परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती चली जाती है उसी तरीके से आबंध कोण भी बढ़ता चला जाता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है और सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम की सबसे कम होती है। यानी इधर से इधर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो घटता चला जा रहा है। यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होने के कारण आबंध कोण 105 डिग्री होता है, उसके बाद सल्फर की कम हो जाती है 92.5 डिग्री, सेलेनियम की कम हो जाती है 91.2 डिग्री, और टेल्यूरियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम हो जाती है, यानी कि आबंध कोण का मान 89.5 डिग्री हो जाता है। तो बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके फ़ायदे उठा सके। और अगली वीडियो जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।